हेलो एवरीवन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो सो देर आर थ्री डकलिंग स्विमिंग इन ए पॉन्ड क्या बोल रहा है कि एक तालाब में तीन बत्तक के बच्चे तैर रहे हैं वन ऑफ देम डकलिंग हैज़ ग उसमें से एक जो है बच्चा चला जाता है तो हाउ मेनी डकलिंग्स आर लेफ्ट इन द पॉन्ड तो फिर उसमें कितने डकलिंग बचते हैं तो टू वन मोर डकलिंग ऑफ देम हैज़ गल्सो गोन हाउ मैनी डकलिंग्स आर लेफ्ट इन द पौन बोल रहा उसमें से एक और चले जाएंगे तो कितने बचेंगे तो वन थ्री में से एक गए टू बचें टू में से एक जाएगा तो वन बचेगा तो द लास्ट डकलिंग हैज़ ऑल्सो गोन नाउ हाउ मैनी डकलिंग्स आर लेफ्ट इन द पौन बोल रहा जो लास्ट बचा है वो भी चला जाएगा तो अब क्या बचेगा तो नन उसके बाद क्या बचेगा नन तो नन इज़ रिटर्न एज इस जीरो तो नन को हम लोग किस तरह से इस तरह से गोल में रिटर्न में गोल जैसा लिखते हैं तो इसको जो लिखते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं इस कॉल जीरो और इसे कहते क्या है जीरो तो ये कंसेप्ट में ये बताया गया है कि अगर आपके पास तीन है तीन में एक चला गया तो दो बचा दो में एक चला गया तो एक बचा और एक में से भी चला गया तो इस तालाब में कुछ भी नहीं बचा नन मतलब जीरो कुछ भी नहीं बचे मतलब जीरो तो आज हम लोग जीरो का प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस नंबर में करेंगे काउंट द माइस एंड राइट देयर नंबर्स इन द बॉक्स इस चूया को हम लोग काउंट करेंगे और इसे बॉक्स में लिखेंगे जैसे वन टू थ्री तो हम यहाँ थ्री लिख देंगे फिर इसमें से एक नहीं है वन टू तो यहाँ हम टू लिख देंगे उसके बाद यहाँ वन है तो हम वन लिख देंगे यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम जीरो लिखेंगे नन रहेगा तो जीरो लिखेंगे सेकेंड में बोल रहा है राजा बैलून्स की ब्रास्टिंग राजा का जो बैलून है वो ब्रास्ट होते जा रहा है मतलब एक एक करके फूटते जा रहा है तो राइट इन विच बॉक्स द नंबर ऑफ बैलून्स लेफ्ट इन हिज एंड तो उसके हाथ में फिर कैसे बच जो बच रहे हैं वो लेफ्ट बेलूम को आपको यहाँ बॉक्स में लिखना है जैसे यहाँ फोर बेलूम में से एक बेलूम उसका ब्लास्ट हो गया तो हमारा कितना बचा थ्री बैलूम्स तो हम यहाँ लिखेंगे थ्री बेलूम फिर थ्री में से यहाँ कितना बचा टू तो हम यहाँ लिखेंगे टू बेलूम्स उसके बाद वन बचा तो वन बैलूम्स और उसके बाद उसका सारा बेलूम ब्लास्ट हो गया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे जीरो उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर्स टेंस नाइन तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं वन से नाइन तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स टेंस तो ये जो फ्लावर है हमारा अलग अलग है तो ये वंस है जब ये अलग अलग रहेगा तो वंस एक जगह जब ये बंडर बन जाएगा तो ये टेंस में हो जाएगा जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये पूरा वंस को अगर हम टेन बार अगर हम काउंट करेंगे तो ये वन टेंस होगा इसको हम माला में कर दिए तो ये हमारा एक माला पूरा ट वंस का एक माला बना मतलब टेन वंस बराबर वन टेंस इसके बाद हमारा आता है ये पॉम ग्रानेट नाइन है तो नाइन में हम वन मोर ऐड कर दिए तो ये हमारा मैक कितना हुआ टेन इसी तरह ये एप्पल नाइन है नाइन में हम वन मोर ऐड कर दिए तो मैक हमारा टेन तो टेन वंस मैक वन टेंस ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पूरा टेन का एक जब बनेगा तो वो वन टेंस कहलाएगा और ये जब अलग रहेगा तो ये वंस वंस में कहलाएगा इसको हम वंस में काउंट करेंगे और जब ये पूरा एक टेन हो जाएगा तो ये वन टेंस कहलाएगा तो आज हम आज हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड नंबर्स टेंस थैंक यू ऑल ऑफ यू